अहमदाबाद के ओढ़व इलाके में 3 मंजिला इमारत गिर गई है। सरकारी आवास योजना की इमारत के 2 ब्लॉक गिर गए। इस हादसे में 1 की मौत हो गई है, जबकि 5 लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। मलबे में लेकिन अब भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। इस इमारत में सरकारी आवास थे। बिल्डिंग को खाली करने के लिए पहले नोटिस भी दिया गया था। गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक इमारत के 2 ब्लॉक्स गिर गए, जिसमें 1 शख्स की मौत हो गई। राहत और बचाव का काम चल रहा है युद्ध स्तर पर। 5 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है, लेकिन अब भी आशंका जताई जा रही है कि इस मलबे में कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। इस हादसे में 1 शख्स की मौत हो चुकी है, लेकिन मलबे में अब भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं। और यही वजह है कि एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं, मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, ये जो बिल्डिंग है, इसमें सरकारी आवास था। राहत बचाव कार्य की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सरकारी आवास थे इस बिल्डिंग में, और आपको बता दें कि पहले ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से इसे खाली कराने का नोटिस दिया जा चुका था, क्योंकि ये इमारत जर्जर हालत में थी। रात भर से आपको बता दें राहत बचाव का काम चल रहा है। रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। मलबे में दबे 5 लोगों को बचाया गया। एनडीआरएफ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रही है, जो कि अब भी चल रहा है। अहमदाबाद में इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, और ये सुबह की तस्वीरें अब आप देख सकते हैं। अब भी आप देख सकते हैं किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जर्जर हालत में ये इमारत थी, जिसके 2 ब्लॉक्स गिर गए। सरकारी आवास थे इस बिल्डिंग में, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पहले ही इसे खाली कराने का नोटिस दिया था, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। बिल्डिंग गिर गई, 1 शख्स की मौत हो गई। मलबे में अब भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम चल रहा है। अहमदाबाद में इमारत हादसे पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनिए। बीते दिन गुजरात के अहमदाबाद के ओढ़व इलाके में एक इमारत गिर गई, और इसमें अभी तक 4 लोग अस्पताल में भर्ती है, वहीं 1 आदमी की मौत हो चुकी है। जिस अधिकारी की निगरानी में पूरा ऑपरेशन हुआ, वह अहमदाबाद के फायर ब्रिगेड के चीफ एडिशनल ऑफिसर MF दस्तूर हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताइए कितनी कठिन ये कामगिरी थी, जिस तरह से 12 घंटे से ऊपर का ये अभी जो काम चल रहा है, कितनी कठिन थी और अब तक क्या क्या रेस्क्यू हुआ है? 8 बजे जब ये हादसा हुआ तो 2 लोगों को निकाला गया और वो अभी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। रात को 1:30 बजे एक बॉडी निकाली गई, तो ये टेक्निकल रेस्क्यू जो था वो अंत हो गया। अब ये ग्राउंड जीरो करके ये पूरा मलबा यहाँ से हटा के बगल के ग्राउंड में फेंका जा रहा है, ताकि अब कोई डाउट ना रह जाए किसी का। कोई भी हमारा रेस्क्यू का इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मलबा ही है और मलबा हटाना पड़ेगा। तो तकरीबन 12 घंटे से ये जो फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन के साथ NDRF जो है वो लगातार इस पर निगरानी रखे हुए हैं, जिसमें 4 लोग को अब तक अस्पताल में भर्ती किया गया है, वहीं 1 आदमी की इसमें मौत भी हो गई है। कैमरामैन मलय दवे के साथ खुशांत सोनी, ABP न्यूज़ अहमदाबाद। तो युद्ध स्तर पर मलबे को हटाने का काम चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम सीधा रुक करेंगे ABP न्यूज संवाददाता कुशांग सोनी का, जो इस वक्त घटनास्थल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुशांग, आपसे सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कितना आगे बढ़ पाया है ये पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन, और कब तक ये पूरा मलबा हटाया जा सकेगा? देखिए, पिछले 12 घंटे से ये जो मलबा हटाने की प्रक्रिया है वो चल रही है, और माना जा रहा है कि अभी इसको हटाने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। और इसमें जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से अहमदाबाद की फायर की टीम और NDRF ने जिस तरह से कार्यशैली दिखाई है, उसमें तकरीबन 4 लोगों को जिंदा निकाला गया है, वहीं 1 आदमी की इसमें मौत हो चुकी है। जिस तरह से पिछले 12 घंटे से ये काम चल रहा है, तकरीबन 12 JCB मशीन यहाँ पर काम कर रहे हैं, और NDRF की 5 जितनी जो टीम है वो यहाँ पे काम कर रही है। और ये जो पूरा ऑपरेशन जिसने किया है वो चीफ फायर ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है, राजेश भट्ट। भट्ट जी, ये बताइए कितना ये महत्वपूर्ण था, और 12 घंटे से आप लगातार काम कर रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण था, क्या समस्या है, क्या दिखी? बहुत ही चिंता का विषय था। महत्वपूर्ण बाबत इसलिए थी कि अपने रेसिडेंशियल फ्लैट था, कंजस्टेड लोकेशन था, ज़्यादा लोगों की हताहत होने की आशंका थी। उस बीच जब फाइनल आज जो अभी पिक्चर उभर के आ रहा है,
उसमें 4 लोग को इंजरी हुई है, 1 आदमी की मृत्यु हुई है। ज़्यादा अब कोई अंदर हताहत होने की आशंका नहीं है। जो 32 फैमिली रह रहे थे उन सबका 1-to-1 कॉन्टेक्ट किया जा रहा है और अब कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं है। यही सबसे बड़ा सोर्स है कि अब अंदर कोई नहीं होगा। तो अब 1 से 1.5 घंटे के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म करके आगामी आगे के 5 से 7 घंटे के अंदर सारी डेब्रिस हट जाएगी। तो NDRF की भी जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और फायर ब्रिगेड के तकरीबन 80 जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। स्लीपर डॉग्स को यहाँ पर लाया गया है ताकि जो मलबे के नीचे कोई अगर दब गया हो तो वहाँ पर स्मेल करके आगे जो मलबा है उसको हटाने का काम किया जाए। तकरीबन 12 घंटे से ज़्यादा ये ऑपरेशन चल रहा है और आने वाले 3 से 4 घंटे तक ये पूरा ऑपरेशन है वो चल सकता है और इस पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी खुद निगरानी रख रहे हैं। जी, ये है ABP News, आपको रखे आगे।